सस्पेंडेड बीजेपी लीडर सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार। आदाब, आप देख रहे हैं इंक्वायरर टुडे और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जाफर। झारखंड से एक ऐसा दिल दौला देने वाला वाक्या सामने आ रहा है जहां पर सस्पेंडेड बीजेपी लीडर सीमा पात्रा अपने घर पर रखी हुई मेड के साथ लगातार 8 साल जुल्म व सितम करती रही, लगातार उसे टॉर्चर करती रही और यहाँ तक कि उसे अपनी टॉयलेट जो है वो जुबान से साफ करवाती रही, अपने जूते साफ करवाती रही। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है बल्कि उससे गरम गरम लोहा उसकी जान पर लगाया जाता था। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं, इतने भी जालिम लोग रहते हैं। जब इस मामले का पता इसके बेटे को चला जिसका नाम आयुष्मान था, सीमा पात्रा के बेटे का नाम आयुष्मान था, जब इसे इस मामले की पता चली तो वो उसने अपने दोस्त से ये बात शेयर की कि हमारे घर पर इस तरह का वाक्या पेश आ रहा है। तो विवेक ने फौरी तौर पर जो है वो पुलिस को इत्तला की और इस मेड को जिसका नाम सुनीता बताया जा रहा है इसे रेस्क्यू किया गया। जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो इसके जिस्म पर काफी सारे जख्मों के निशान थे और वो निशान इसी वजह से थे क्योंकि ये बार बार उस पर जुल्म कर रही थी। और जो सीमा पात्रा है ये एक्स आईएएस ऑफिसर महेश्वर पात्रा की बीवी है। आज जो है रांची पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि लगातार जो है 8 सालों से ये एक ट्राइबल वुमेन थी, सुनीता एक ट्राइबल वुमेन थी और 8 सालों से लगातार ये इस तरह का जुल्म व सितम इस घर में सह रही थी। इससे घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी कि एक घर से बाहर जाती और घर से बाहर जाकर किसी तक अपनी ये फरियाद सुनाती कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या बीत रही है, मुझ पर कितने जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं। लेकिन इसे घर से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था, इसे घर के अंदर ही कैद करके रखा गया था और बार बार इसे जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था, बार बार इसे टॉर्चर किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि अग्रोडा पुलिस स्टेशन रांची में SC ST एक्ट 1989 के तहत एक FIR दर्ज कर ली गई थी और उसी के चलते जो है आज सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगर आपको बता दें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन रेखा शर्मा ने भी DGP झारखंड को एक पैनल में यह लिखा था कि अगर ये सही है, अगर इस तरह के सुनीता ने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं अगर ये सही हैं तो सीमा पात्रा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीमा पात्रा जो सस्पेंडेड बीजेपी लीडर हैं इसने इस तरह का जुल्म जो है एक ट्राइबल वुमेन पर किया। 29 साल जो है इस सुनीता की उम्र बताई जा रही है और मोबाइल स्क्रीन पर आप उसकी भी तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या हालत इस ट्राइबल वुमेन की सीमा पात्रा ने क्या हालत बना रखी है। बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग रह रहे हैं जो दबे कुचले लोगों पर जुल्म ढाते हैं और 8 साल कोई कम अरसा नहीं, 8 साल से लगातार इसको जो है वो जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा था। और आपको बता दें कि अब रांची पुलिस के मुताबिक ये रांची से भागने की कोशिश कर रही थी, ये फिरार होने की कोशिश कर रही थी लेकिन रांची पुलिस ने इसे जो है वो दबोच लिया है, इसे गिरफ्तार कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि दूसरों के लिए ये एक सबक बन जाए कि वो गलती से भी किसी पर जुल्म ना करे। हालांकि ये खुद एक महिला थी, उसके बावजूद भी एक महिला पर ये इस तरह से जुल्म करती रही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।